हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म जॉब्स इंडिया डेली वेब। मेरा नाम अंकित सोनी है और आज आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। ओके, तो हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, सभी तरह के इंटीजर्स, सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता था, पहले एंशिएंट टाइम पे लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैलकुलेशन के लिए कुछ भी यूज करते थे। कोई स्टोन देके किसी को बिठा देता था तो किसी को किस तरह से अलग अलग वे में काउंटिंग करते थे, पर ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब सभी लोग बैठे तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके थ्रू अपन क्या करें, कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के अपन जैसे काउंट कर सकते हैं। तो अलग अलग नंबर्स यूज में, तो सबसे पहले बात करते हैं एक जो नंबर सिस्टम है, बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आए हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम इंट्रोड्यूस करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है, तो नेचुरल नंबर को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये एक प्राकृत संख्या है। तो बात करें नेचुरल, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। तो बेसिकली बात करें ये क्या होता है, इट इज अ काउंटिंग, इट इज अ काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, जैसे कि बेसिकली हम कहीं भी किसी भी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं या काउंट करते हैं, तो कभी जीरो से करते हैं या नहीं, अपन किसी भी चीज की काउंटिंग कहां से करते हैं, वन से, ठीक। तो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है वो किससे बना हुआ है, ठीक। यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, इनके अंदर आ जाएंगे नंबर, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है जो वन से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक, मतलब काफी बहुत कितने भी नंबर काउंट कर सकते हैं। तो एक तरह से एक सिस्टम हुआ है, इसमें अपन ने नंबरिंग करना सीखा, काउंटिंग नंबर। जो इसके कुछ जाओ तो काउंटिंग नंबर से रिलेटेड इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर वन, ठीक है। व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर वन। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रीडिसेसर क्या होता है, ठीक है। तो प्रीडिसेसर होता है किसी भी गिवन नंबर का जस्ट पहले वाला नंबर, ओके। और सक्सेसर होता है किसी भी गिवन नंबर का जस्ट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो कौन सा होगा, सक्सेसर, ठीक है। तो प्रीडिसेसर का अगर मैं एक तरह से फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, तो प्रीडिसेसर क्या होगा, गिवन नंबर जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, माइनस वन। और बात करें सक्सेसर की, ये क्या होगा, गिवन नंबर प्लस वन, ठीक है। तो अब यहां पर गिवन नंबर क्या है, वन, ये गिवन नंबर है अपने पास। तो अगर मैं बात करूं, पहले तो अपन इस सक्सेसर का कर लेते हैं, तो गिवन नंबर कितना है, वन, वन प्लस वन कितना होगा, टू, तो देखो वन के बाद टू ही आता है, ठीक है। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं, अब अपने प्रॉब्लम फेस करेंगे यहां पर, प्रीडिसेसर गिवन नंबर माइनस वन, अगर मैं लिख दूं गिवन नंबर क्या है, वन और माइनस वन, तो क्या आया, ठीक है। जनरली एक तरह से अपन क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी अपन ने जीरो नहीं पढ़ा है, अपन ने अभी तक कहां से नंबर पता है अपन को, वन टू थ्री फोर, अभी जीरो क्या होता है अपने को पता ही नहीं है। तो यहां पर बात करें वन माइनस वन, तो इसे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, पर मैं इसमें तो नहीं लिख सकते ना ये चीज, तो अभी तो अपन जस्ट यहां पर लिख देंगे कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते इसे, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन। तो प्रॉब्लम ये है, मैथ्स में हम कहीं भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो यहां यही बोलेंगे कि कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो फिर
जैसे नंबर सिस्टम जब एक तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उनको लगा ऐसा भी एक नंबर होना चाहिए जो क्या हो, इस चीज का सोल्यूशन कर दे हमारे, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक और नया नंबर सिस्टम, जैसे डेवलपमेंट होते रहते हैं, किसी चीज की अगर कमी आती है तो दूसरा, अगर किसी चीज में लाइक मतलब नेसेसरी कुछ कमी होती है तो नई चीज इंट्रोड्यूस होती है वहां पर। तो यहां पर फिर इनको लगा एक नंबर सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करे, तो वहां पर जाकर इंट्रोड्यूस हुआ अपने होल नंबर। ओके, तो अब नाउ टॉकिंग अबाउट द होल नंबर, होल नंबर के बारे में अब अपन आगे पढ़ते हैं, जो सेकंड नंबर सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अपन डिस्कस करते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है अपन W से, और हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे बोलेंगे अपन पूर्ण संख्या, एक तरह से पूर्ण जो सारी संख्या आ जाए एक तरह से इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां तक तो आपने पढ़ी रखा था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चलता रहेगा काउंटिंग जो नंबर होता है। अगर अपन जो जीरो की प्रॉब्लम थी, एक नंबर इन्होंने निकाला कोई नहीं, जो कांट बी डिटरमाइन का सॉल्यूशन जीरो। ठीक है, तो अगर मैं जीरो को इस नंबर में ऐड कर देता हूं तो एक नया नया नंबर सिस्टम बनेगा, या फिर अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर या कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, होल नंबर का। ठीक है, तो एक तरह से अब आप देखो होल नंबर में नेचुरल नंबर तो इंक्लूड है साथ में। ठीक है, ये सब क्या है, अगर मैं जनरली डिस्कस करूं तो अभी अपन ने किया था, ये क्या चीज है, नेचुरल या फिर ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, होल नंबर किस किस का कॉम्बिनेशन है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर किस किस का कॉम्बिनेशन है, यहां पर जीरो प्लस नेचुरल नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। तो जीरो प्लस होल नंबर, ये अपने एक तरह से फॉर्मूला भी काम आ जाएगा आगे, दोनों तरह यूज है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब यहां पर जाकर अपन जो वो प्रॉब्लम फेस करी थी, व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ होल नंबर वन। यहां पर एक क्वेश्चन आता है अगर अपना, व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ होल नंबर वन। ठीक है, तो पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पर ये देखो, वहां पर था नेचुरल नंबर वन और यहां पर क्या है, होल नंबर वन। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ, आपको पता ही है दोनों फॉर्मूला प्रीडिसेसर और सक्सेसर का क्या होगा। ठीक है, तो ये सक्सेसर, तो सक्सेसर में क्या लिखेंगे अपन, गिवन नंबर प्लस वन, तो गिवन नंबर कितना है, वन प्लस वन, तो ये भी टू ही आया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन प्रीडिसेसर, और वहां पे इसमें भी क्या लिखेंगे, गिवन नंबर माइनस वन, तो वन माइनस वन, तो वहां तो अपन ने क्या लिखा था, जब नेचुरल नंबर वन आएगा तो कांट बी डिटरमाइन, यहां क्या लिख सकते हैं अपन, यहां लिखेंगे अपन वन माइनस वन, अब क्या लिख सकते हैं अपन जीरो। ठीक है, तो अपने को सोल्यूशन मिल गया उस चीज का, तो इसलिए होल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, कहां पर जीरो का यूज होगा, कहां पर नहीं, उस अकॉर्डिंग। तो इस चीज में तो अगर, तो अगर क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर वन, तो सक्सेसर तो टू होगा और होल नंबर का भी क्या होगा, टू। अगर बात आती है प्रीडिसेसर, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर वन, तो वहां अपने को लिखना है कांट बी डिटरमाइन, और यहां पर अगर क्वेश्चन वही रिपीट होता है व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर वन, तो वहां पर लिखेंगे जीरो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन से और भी इसमें क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं अपन अच्छे अच्छे जो इस बेस पे बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, ठीक है, आप मुझे बताइए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन। ठीक, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी का रिवर्स, अगर बात करें अपन, ऑल होल नंबर आर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, पर ये कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने को। ठीक है, अब क्वेश्चन है, जीरो इज द, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। एंड वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द, नो, इसको दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन लिखता हूं। सक्सेसर ऑफ वन डिजिट नंबर इज ऑलवेज वन डिजिट। ठीक है, तो यहां पर ट्रू और फॉल्स जो बेसिकली होल नंबर और नेचुरल नंबर है, पांच क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट नाउ इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये बोल रहा है जितने भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, क्या पूर्ण संख्या होगी? ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो लेट मी चेक कर लेते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था होल नंबर किस किस का कॉम्बिनेशन है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर का। ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर का, तो बोला ऑल नेचुरल नंबर हाँ तो होंगे जब ये इसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और या फिर अपन बात करें होल नंबर किस किस कैसे, तो अपन रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। तो देखो सारे होल नंबर किस में इंक्लूड है, होल नंबर में, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो क्या लिख देंगे, ट्रू, सही है ये। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट आता है ऑल होल, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या होल नंबर और नेचुरल है। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि जीरो क्या है, होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसका क्या रिजल्ट हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये पूछा जो जीरो है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको अगर बात करें, जीरो नेचुरल नंबर है ही नहीं, जीरो क्या है, होल नंबर है, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, चेक कर लेते हैं एक बार। तो वन होल नंबर तो है पर स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, जीरो, तो ये भी क्या हो गया यहां पर, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, यहां पर अपन पढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ वन डिजिट नंबर इज ऑलवेज वन डिजिट। ये बोल रहा है जो सक्सेसर होता है वन डिजिट नंबर का, वो हमेशा क्या होगा, वन डिजिट होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते अपन, अगर मैं टू के सक्सेसर की बात करूं तो थ्री, फाइव का सिक्स, एट का नाइन, लेकिन जैसे ही नाइन पे आते हैं अपन, ठीक है, नाइन का सक्सेसर क्या होगा, टेन, और ये कितने डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर है ये, तो अपना क्या हो गया अभी, फॉल्स हो गया।
अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट मैं बात करूं, इसमें होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो जनरली बात चल रही है अपने होल नंबर की, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर मैं किसी होल नंबर में दूसरा होल नंबर ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक होल नंबर में दूसरा कोई अदर होल नंबर ऐड करता हूं, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, होल नंबर अगेन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या अपनी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए चेक हो रही है, फर्स्ट एडिशन के लिए, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए चेक कर रहे अपन फर्स्ट। तो बात करें तो चेक करते हैं अपन, अगर मैं होल नंबर 5 में, ठीक है, होल नंबर 4 ऐड करता हूं, तो आंसर क्या होता है, 5 + 4 कितना होगा, 9। तो देखो मैंने क्या किया, 5 होल नंबर है, ठीक है, 5 में एक 4 होल नंबर ऐड किया, तो मुझे क्या मिला, 9। ये भी क्या है, अ होल नंबर अगेन, मिल गया होल नंबर। तो यहां पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बेसिकली छोटा सा 2 + 0 कितना होगा, 2 ही मिलेगा। तो देखो मैंने 2 क्या है, होल नंबर, 0 भी क्या है, होल नंबर, और 2 + 0 कितना हुआ, 2, तो अगेन 2 मिला, और वो भी क्या है, होल नंबर। तो बेसिकली यहां पर भी क्या हो रहा है, दो होल नंबर को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर। तो क्या बोल देंगे अपन, ये भी क्या है यहां पर, अ होल नंबर अगेन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, ठीक है, होल नंबर आर कम्यूटेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे बात करते हैं तो एडिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो एडिशन इज क्लोज अंडर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है यहां पर, ये होल नंबर अगेन। तो एक तरह से एडिशन में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देंगे होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, तो एडिशन तो फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट एडिशन, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक। अब अपन यही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं, क्योंकि सभी के लिए चारों जो ऑपरेशंस होते हैं अपने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी के लिए फॉलो करके चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी अपन किसके लिए डिस्कस करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, ओके। तो इसमें भी वही ऑपरेशन अगर बात करें तो अब यहां क्या कंडीशन चेंज हो जाए, केवल अगर अपन किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए अपन, होल नंबर अगेन, होल नंबर। तो अब बात करते हैं इसमें होल नंबर माइनस होल नंबर इक्वल टू क्या आना चाहिए, होल नंबर। तो अगर मैं किसी एक गिवन होल नंबर है उसमें से किसी दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, अगेन होल नंबर अगेन। चेक करते हैं एक बार, ठीक है, सपोज मैंने 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 भी क्या है, होल नंबर, और 2 भी क्या है, होल नंबर, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3, और ये भी क्या है, अ होल नंबर। तो यहां तो कंडीशन फॉलो हो रही है इसकी। नेक्स्ट, एक जीरो वाला एग्जांपल साथ में लेते हुए चलेंगे, 4 - 0 ये भी कितना होगा, 4, तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही रिजल्ट आता है, तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया क्या मिला, 4, तो ये भी क्या आंसर आ जाएगा, अ होल नंबर। तो यहां पे कंडीशन फॉलो हो रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, हम होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो एक तरह से ये भी सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां रिजल्ट में क्या लिख देंगे अपन,
हॉल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए. तो यहां पर भी जैसे दोनों केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन फुलफिल हुई थी, तो इसके लिए भी करनी पड़ेगी. तो इसके लिए कंडीशन क्या है इसकी? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, होल नंबर मल्टीप्लाई, किसी गिवन होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, होल नंबर अगेन. ठीक है, तो किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए, वहां पर होल नंबर ही मिलना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी. इसे भी चेक करते हैं एग्जांपल से. जैसे मैं करता हूं 3 × 4, 3 क्या है, होल नंबर, 4 भी क्या है, होल नंबर, 3 × 4 का आंसर आएगा 12. ठीक है, तो ये क्या आ गया, अ होल नंबर. और फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम करते हैं 5 × 0 तो आंसर क्या आएगा, 0. तो 5 क्या है, होल नंबर, और 0 क्या है, होल नंबर, तो 5 ये कितना आएगा, 0. ये भी क्या है, अ होल नंबर. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल देंगे, दोनों जगह प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है. ठीक, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, होल नंबर आर, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट, अब हम कल यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट सेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद और भी जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.